अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआ कबूल करे और सबके घर में खैर बरकत और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हम सब रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, खाना हो गया और मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को भी मुबारकबाद दे दूँ जुम्मा की, अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह हम सबको अच्छी सेहत दे, ज़िंदगी दे और सुकून की ज़िंदगी दे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और मेन तो लेडीज़ लोग का ये तो सुबह का दोपहर तक का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा ही बिजी रहता है। तो माशाल्लाह सब हो गया अभी, तो बस मैं बोले आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूँ मैं दिन भर में क्या कर रही हूँ, किधर जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। वैसे तो आज जो है चिकन आलू का शोरबा जो बोलते हैं वो बना था और सलाद बना था और राइस उसके साथ, तो आज ये बना है खाने में माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक है। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी जुम्मा मुबारक हो। चलो खाना निकालो तुमको। हाँ निकालो। एंड लेट आए नमाज होने के बाद, तो अभी उनको मैं खाना दे रही हूँ। ये देखो मैंने एक ना रोज रिंग पहनी, ऑक्सीडाइज की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी। तो जैसे ऐसी मुझे मिल गई अभी बैठे बैठे, तो मैंने ट्राई की एंड अच्छी लग रही है। एंड देखो तो सही। दूध हमको चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है मैं चाय देती हूँ इनको। मैं चाय गर्म हो रही है, जब खड़े रहते ना गैस के सामने तो चाय, जब गैस के पास खड़े रहना चाय और दूध ये दोनों भी जल्दी बॉईल नहीं होते। पता नहीं इन लोगों को क्या दुश्मनी है यार उनसे, लेडीज लोग से, मतलब जल्दी गर्म होते ही नहीं। अगर ढक के जरा हटो तो दूध और चाय दोनों बनना चालू हो जाते। वाह, मतलब इनको गुस्सा होता कि हमारे साथ में खड़े रहो, मतलब जल्दी से इन लोगों को गुस्सा कि इन लोग जल्दी बॉईल हो जाते। वाह क्या बोली ना मैंने, मस्त बोली। और पता है हम लोग के पास एक चीज बताती, एक मिनट ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो है मेनू रहता है किचन में, जैसे कि आज का है जैसे अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह, आज का लंच है चिकन शोरबा राइस सलाद, जुम्मा मुबारक और अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। तो ये सब जो भी किचन में खड़ा रहता है वो उनकी ज़िम्मेदारी रहती है कि लिख के लगा देना। और बहुत अच्छा लगता है भी जब हम पढ़ते करते तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये मैंने लेके आई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसको जो है यहाँ डिलीट मारना है, रब नहीं करने का, नीचे एक बटन है उसको डिलीट मारने का और ये ऊपर उसका ये पेन है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको रब नहीं करना है बस इसको डिलीट मारना है। तो ये मैं लेके आई, सोचे और एक क्लिक किया हूँ। अरे चाय, थैंक यू। मैंने उनको चाय दे दी, वो मोबाइल पे कुछ बिजी है। तो मैं जा रही हूँ इंस्टा पे रील्स बना रहे, आप लोग मुझे देखते हैं कि नहीं इंस्टा पे भी, तो इंस्टा पे भी लुबना की जन्नत है, वहाँ भी जाके मुझे फॉलो करना। और तो मगरिब की नमाज हो चुकी है माशाल्लाह, अब जो है चाय का वक्त है। और आप लोग इतनी खुश हो रही हूँ मैं चाय का वक्त है, एक्चुअली क्यों खुश हूँ मैं इसलिए क्योंकि ब्रेड को है जो हल्का सा टोस्ट कर लिया और मुझे बहुत पसंद है ब्रेड बस का जैम हल्का सा टोस्ट करके विद चाय, तो बस मैं खाती हूँ। सोया भी है, कैसा पालक? क्यों भैया अच्छा महंगा? पालक तो महंगा चल रहा है, पालक हरा वाला महंगा चल रहा है। बोलो बराबर बोलो देने का, फिलहाल तो एक ही चाहिए, एक घर पे है एक, एक फिर भी 20 की दो ना भाई, 20 की दो तो वही भाव में देंगे आप। एक किसकी आएगी? एक का किसकी आएगी? 30 की आएगी। पालक अच्छी बढ़िया पालक। अरे है तो फिर भी 30। हाँ तो महंगा चल रहा है पालक के लिए, सब प्राइस ही भैया। देखो एक पालक जो है 30 रुपीस की, ठीक है एक दे दो। और सोया है? सोया कैसा? एक ही सोया। हरी मिर्च है? हरी मिर्च वो दे दो 20 की दे दो। और थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देना।
यहाँ रात के लिए आ चुकी थी, चकाला साइड में आई मैं। आज मुझे शेर पंजाब जाने नहीं मिला क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए थे और फिर वहाँ से बहुत लेट आए, तो मेरे को खाना देना है सब करके वही तब 5:30 हो चुके थे। तो मैंने अब मैं कब जाऊँगी और कब आऊँगी, तो मेरे को मगरिब से पहले घर पे आना था, तो मैंने सोचा चलो आज वापस से वॉकिंग चले जाते रोड साइड। तो बस वॉकिंग थी, तो मैंने चलो ऐसे जगह जाती हूँ, मार्केट की तरफ ही जाती हूँ ताकि कल का कुछ बाज़ार भी आ जाए। तो वही पालक और सोया मैंने ले लिया अभी कल के लिए, और देखते और क्या लेते हुए जाती हूँ, तो मेरी काम भी हो जाएगा और वॉकिंग भी हो जाएंगे, दोनों चीज़ हो जाएगी। ये भैया एप्पल 100 रुपये किलो, 80 से दो ना भैया, ये कम कर रहे हैं आप लोग, तो कम ही नहीं करते, लेकिन वो बात तो है भैया। हमसे 100 ग्राम ज़्यादा लेके जाओ, क्या बोलो? हाँ 50 ग्राम ज़्यादा लेके जाओ, अरे 50 ग्राम ज़्यादा लेके जाओ वजन, अब क्या बोलो? चलो 2 किलो दे दो, 1 किलो दो। इलायची केला है आपके पास? ठीक है दे दो, 1 किलो दे दो, बराबर दो। एक्चुअली ये है चकाला मार्केट, जो मैं कई सालों से आती हूँ यहाँ चकाला मार्केट, यहाँ भी जो है पूरा बाज़ार मिल जाता है। मैं सोच रहा इस तरफ ही वॉक कर लूँ ताकि मेरा काम भी हो जाए, सब घर जा रही हूँ मैं। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं? हाँ मतलब 12 साल को करेगा ना। अच्छा तो हाँ मतलब बड़ी लड़की है। हाँ 12 साल के ऊपर सबको चलेगा। अच्छा तो बस मैं वॉक करके आ गई हूँ और बाहर निकलो तो जैसा मैं कल बताया आपको, नवरात्रि में लाइटिंग वाइटिंग रहती तो बहुत मज़ा आती है, और आज भी मेरा गार्डन जाने नहीं हुआ, तो बस वॉक करके आई मैं। अब चाय वाय पी के थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ, अब बस खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद फिर कल की नई शुरुआत करूँगी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, और देखते हैं फिर कल क्या दिन की शुरुआत होती है माशाल्लाह। बस अल्लाह सबको खुश रखे, अच्छी सेहत के साथ रखे, और दुआ में याद करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।